वेलकम त्रिशला जी, वेलकम रचना जी, वेलकम स्मिता जी, वेलकम ऑल टू दिस सेशन, वेलकम प्रीति जी। चलिए, 6 o'clock हो गया है। हम लोग अपना ना शुरुआत थोड़ा सा डांस के साथ करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी भी हाई रहेगी और हम एक कुछ अपने अंदर से ना, मैं बोल सकती हूँ, कलो कुछ कैलोरीज भी लूज हो जाएगी। और डांस से शुरुआत करेंगे ना, तो हम एनर्जेटिक भी फील करेंगे। ठीक है, सब तैयार है? सब चाहे तो अपने पास एक वाटर बॉटल जरूर से रख ले, क्योंकि थोड़ा सा भी शेक होने के बाद हमें पानी की जरूर जरूरत पड़ती है। तो सब कोई अपना अपना वाटर बॉटल जरूर रख ले और तैयार हो जाए मेरे साथ डांस करने के लिए। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये लीजिए, म्यूजिक नहीं आ रहा। वन सेकेंड, मैं देख फिर लेती। साउंड करना रहेगा लैपटॉप में। हाँ, वही लगता है, मैं भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, 2 मिनट। हाँ जी, लगा दूं फ्यूज में सारे, आज उड़ा दूं फ्लोर का बादशाह बन के दिखा दूं। मैं उन्हें बोल दिया बात बात पे गोला बारी, एक अकेला जब पे भारी, मेरा वचन न जाए गाली, मैंने बोल दिया। हाथ लगाएगा शौक तू खाएगा, बिजली की मगर मैं चिपकेगा मुझसे तो लिक्विड हो जाएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन रचना, थैंक यू सो मच। अब आप आराम से एक सिप पानी पी सकते हैं, ताकि जिसको भी थकावट हुई होगी उनको अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज आप सब कोई सेशन के लिए तैयार है कुछ नया सीखने के लिए? कुछ नया सीखने के लिए सब रेडी है? कोई भी अनम्यूट करके मुझे कुछ बोल सकता है। थैंक यस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम डायरी, है ना? कुछ नाम अलग सा कि ये क्या होता है ड्रीम डायरी, क्या होता है, क्या होता है। कुछ एक्साइटमेंट किसी में भी आया है तो मुझे चैट बॉक्स पे वाई लिख के यस बोल सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी यस बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती सपने का जूस हूँ चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। एक्चुअली ड्रीम डायरी जो ये है, ये हमारे मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही हेल्पफुल एक टूल आप बोल सकते हो, एक टेक्निक बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा ये मैनिफेस्टेशन वर्ड क्या होती है,
तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी हमारे अंदर जो हमारे डिजायर्स होते हैं जिनको हम तहे दिल से मतलब पाना चाहते हैं, उनको हम रियलिटी में कैसे लेके आए, हम अपने थॉट्स को, हम हमारे विचारों को, हम हमारे जो डिजायर्स हैं उनको अपने मतलब पूरा करने के पूरे शिद्दत के साथ पूरा करना चाहते हैं, तो ये तरीके हमें उस तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं। आप इन तरीकों को आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप इन साधनों का इजीली यूज कर सकते हो। ये हमें जस्ट हमें क्या करना है, हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फोकस रखना है। द मोर पॉजिटिव वी आर वी विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। और जहां हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं, मुझे कैसे मिलेगी नई गाड़ी, मैं कैसे करूंगी, मैं अपने बच्ची मेरी बच्ची एग्जाम में कहाँ से 100/100 लाएगी, जहां हमारे मन में कहीं भी एक सेकंड के लिए भी अगर नेगेटिव ख्याल आ गया ना तो हम नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा जो फोकस होता है ना, जो कंप्लीट फोकस जो हमें देना है, जो कल श्वेता जी ने भी करेक्टली अपने सेशन में बताया था कि हमारा जो फोकस होता है हमें प्योरली प्योरली पॉजिटिव थॉट्स पे ही रखना है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे खुद के विचार होते हैं। जब मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी मैं पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करूंगी, अगर मेरी एनर्जी हल्की सी भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करूंगी। तो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हम छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे टेक्निक्स आगे और भी लेके आएंगे, जिसमें से ये एक टेक्निक होती है ड्रीम डायरी। ठीक है, क्लियर? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊं, चलिए। यस हाँ, थैंक यू। अब आप अपने सामने क्या देख पा रहे हैं, आप लोग सब एक बंद दरवाजा देख रहे हैं, राइट और रॉन्ग? एक बंद दरवाजा दिख रहा है, और ध्यान से देखिए इस फोटो को, इस बंद दरवाजे के साथ आपको एक चाबी दिख रही है, दिख रही है ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो बंद दरवाजा है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम हिंदी में बोले तो ये हमारा अवचेतन मन है। और हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, जो मेरे अंदर एक डिजायर आई है कि मेरी नई गाड़ी जल्दी से आने वाली है, तो जो मेरे अंदर जो डिजायर आई है ना वो मेरी चाबी है। और आज मैं इस तरीके से इन छोटी छोटी टूल्स से हम क्या करेंगे, इस चाबी को अपने दरवाजे के अंदर लगा के चाबी खोल देंगे, है ना? इंटरेस्टिंग। तो हम क्या करना चाहते हैं, वी आर ट्राइंग टू अनलॉक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम अपनी चाबी से हमारे अवचेतन मन के जो भी बंद दरवाजे हैं उनको हम खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, सबसे बड़ा है इसका इंस्ट्रूमेंट, पॉजिटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव वर्ड्स एंड अफर्मेशंस। मैंने आपको पहले अफर्मेशन की क्लास में भी बहुत क्लियरली बताया था कि हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिव थॉट्स रखनी है, 3 P याद है ना, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव, पर्सनल। मैं पॉजिटिव थॉट्स रखूंगी और अपना पूरा फोकस जो मैं पाना चाहती हूँ, जो मुझे अपने बंद ताले की दरवाजे की ताले की चाबी खोलनी है, अगर मैं अपना पूरा फोकस उस ताले पे रखूंगी तो आराम से हम अपनी इस ताले को खोल सकते हैं। और हमारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जो चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर अभी तक? मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाती हूँ, आप लोगों को और क्लियर क्लैरिटी हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब आप लोग देख पा रहे हो ना इजीली कि क्या है। तो मैंने आपको पहले ही सेशन में बोल दिया था कि आज हमारी बात हो रही है ड्रीम डायरी के बारे में। तो ये ड्रीम डायरी है क्या? ड्रीम डायरी मतलब जर्नलिंग। हम रोज रोज नियम से, जैसे होता है ना, एक नियम होता है ना अपने में कि रोज मेरा नियम है कि मैं सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, मैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ, वो हमारा नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो करना ही है, इजंट इट? वैसे ही हम रोज नियम से हमारे कुछ डिजायर्स लिखेंगे। जैसे अगर मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको आगे लेके जाती हूँ एक एक स्लाइड में, तो रोज जो भी मेरा है डिजायर मैं रोज उसको लिखूंगी, उसको हम बोलते हैं जर्नलिंग माई डिजायर्स।
फिर क्या आता है, अब मैं लिखूंगी तो मेरा क्लैरिटी इन विजन होना चाहिए, जो भी मैं लिखूंगी मुझे पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरी आने वाली मैथ्स एग्जाम की परीक्षा में 95 मार्क्स लेकर आएगी, तो मेरा विजन क्लियर है, मैं डगमगा नहीं रही हूँ कि मेरी बेटी 70 लाएगी, नहीं 75 लाएगी, नहीं वो तो 100 ला देगी। मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मेरी बेटी आने वाली मैथ्स एग्जाम की परीक्षा में 95 मार्क्स लेकर आएगी। तो इसमें मेरा विजन कैसा रहा, एकदम क्लियर, मैं अपने आने वाले एमबीबीएस की तैयारी में एकदम सफल हो रही हूँ। इसमें मेरा क्या रहा, मैंने अपना जो भी है क्लैरिटी एकदम क्लियर रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें रोज अपनी डिजायर लिखनी है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या कहा है, हमारे विजन में क्लैरिटी, बहुत बहुत क्लियर हमारा विजन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एरिया में लिखे, चाहे आप हेल्थ के लिए ले, चाहे आप अपने वांट्स के लिए ले, चाहे आप अपने वेल्थ के लिए ले, रिलेशनशिप के लिए ले, जिस भी एरिया में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन करने की इच्छा है उसके लिए आपका गोल, आपकी डिजायर कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। थर्ड क्या है, डिफाइन योर गोल्स, डिफाइन योर वांट्स। इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब आप जो भी है ना उसको क्लियरली लिखे। जैसे अभी आपको मैंने क्या कहा कि मेरी बेटी अपनी परीक्षा में 95 मार्क्स लेकर आएगी, तो इसमें अभी आपको क्या लिखना है कि मेरी बेटी अपनी आने वाली परीक्षा 1st ऑफ अगस्त 2024 में अपने मैथ्स के एग्जाम में 95 मार्क्स लेकर आएगी। इसमें मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, अगर कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है तो बोलिए। यस स्मिता जी, हाँ जी, ये ऐड किया है कि मतलब डेट, 24 में डेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन, थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर हमें पता है कि आने वाले कौन से डेट पे भी कि मैं अपनी नई का दिसंबर, सपोज मेरी एनिवर्सरी 9 दिसंबर की है, तो मैं अपनी नई का 9 दिसंबर 2024 को लेकर आऊंगी। तो इसमें मैंने क्या किया, अपना जो भी मेरा गोल था उसको मैंने जर्नल किया है, उसको मैंने क्लियर रखा है और उसको मैंने करेक्टली डिफाइन भी किया है। जैसे मैं रोज अफर्मेशन लिखती हूँ, आई एम फिट, आई एम एक्सरसाइजिंग डेली, आई एम फिट, आई एम एक्सरसाइजिंग डेली। अब इसको अगर मैं और डिफाइन फॉर्म में अगर करूं तो आई एम फिट, माई बॉडी वेट इज 65 kg बाई डिसंबर 2024, एंड आई एम एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी फूड डेली। तो मैंने कितने स्पेसिफिक हो गई ना अपने अफर्मेशन पे, सबसे पहले मैंने यूनिवर्स को बता दिया कि मैं फिट हूं, मैं एकदम फिट हूं, फिर मैं जो भी वेट चाहती हूँ, चाहे 60 किलो हो चाहे 65 किलो हो, और कब तक चाहती हूँ, मैं सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा ना, मुझे हेल्दी खाना भी है, कुछ ना कुछ मुझे एक्सरसाइज करनी भी है। मैंने यूनिवर्स को करेक्टली हर चीज दिया है कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं रोज हेल्दी खाना खा रही हूँ, मेरा वजन ये है और मैं एकदम फिट हूँ। सपोज अगर मुझे अभी नी प्रॉब्लम है तो आप इसमें स्पेसिफिक हो सकते हो, दैट माई नीज आर एब्सोल्यूटली फाइन, मेरे जो गोडे हैं वो बिल्कुल सही हैं, मुझे वो बहुत आरामदायक हैं, मैं आराम से चल फिर पा रही हूँ और स्वस्थ जिंदगी जी रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, जो मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, माई नीज आर पेनिंग, मेरे गोडे दुख रहे हैं, मेरी पीठ दुख रही है, आपको जिस एरिया में आपका स्ट्रगल हो रहा है, जिस एरिया में आपको मेहनत करनी है, आप उसको एकदम क्लियरली डिफाइन कर सकते हो और आप अपनी जर्नल में लिख सकते हो। हेल्थ के लिए ऐसे हो गया, अगर आप मेरे को पूछोगे मैम करियर के लिए, करियर में सपोज आप देख रहे हो कि मुझे एक बड़ी सारी कंपनी में, चलिए मैं बोल सकती हूँ ENY में मुझे जॉब लग जाए, नहीं तो मैं बोल सकती हूँ मेरे बेटे को इस ENY कंपनी में जॉब लग जाए, तो आप करेक्टली लिख सकते हो आपके बेटे का नाम, मेरे बेटे राजेश को उसकी ड्रीम कंपनी ENY में नवंबर 24 को जॉब मिल गई है। तो मैंने कितना क्लियरली अपना गोल डिफाइन कर लिया ना, समझ में आया आप लोगों को? तो हमें क्या करना है, अपना जो भी गोल है हमें उसको क्लियरली डिफाइन कर देना है, अपने वांट को एकदम अच्छे से यूनिवर्स को हमें बताना है कि मुझे ये चाहिए है, फिर आगे यूनिवर्स पे छोड़ दो, एक्शन स्टेप है जो हम लेंगे,
इसमें आप बहुत क्लियर रहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी मैथ्स में 95 मार्क्स लेकर आई है, तो जो पढ़ाई करनी है वो तो वो जरूर करेगी। लेकिन कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि पूरी मेहनत करी थी मेरी बच्ची ने तो, पर पता नहीं 2 मार्क्स से क्यों पीछे रह गई। तो ये जो 2 मार्क्स वाली जर्नी होती है ना, हम अपने मैनिफेस्टेशन से, हम इन छोटे छोटे टूल से, हम उस 2 मार्क्स वाली जर्नी को इजी करना चाहते हैं। मेहनत जो बच्चे को करनी है वो तो उसको करनी ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन आता है। तो जो मेहनत वाला पार्ट है वो तो बच्चा करेगा, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल, जो एक बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, जो हम डिजाइन डेकोरेशन कर देते हैं केक में, वो जो पार्ट होता है ना, वो हम अपने इस मैनिफेस्टेशन टूल से इजीली कर सकते हैं। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अभी आप अपने में स्लाइड में देख पा रहे हो कि मैंने दिया है वर्ड थैंक यू। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है अफर्मेशन में, आपको क्या करना है? मैं स्वस्थ हूँ, मेरा वजन 60 या 65 जो भी आप देख रहे हो उतना किलो है, मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ और हेल्दी खाना खा रही हूँ। उसके बाद अब आप क्या जोड़ोगे अपने अफर्मेशन में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने क्या जोड़ा अपने अफर्मेशन में? धन्यवाद, कृतज्ञता। पता है हमारे पास दुनिया में हर चीज है। आज मैं एक रूम में बैठी हूं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास एसी चल रही है मेरे कमरे में, मेरे पास इतने, भगवान जी ने इतना सब चीज दिया है, चेयर है, कुर्सी है, पेन है लिखने के लिए, पर हम ना वो वर्ड थैंक यू की महत्व नहीं समझ सकते हैं। जहां हम इस थैंक यू को जोड़ लेते हैं ना, समझ लीजिए हमने प्रकृति के हर चीज को, हर 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 एक, मतलब मैं बोल सकती छोटी से छोटी चीज को भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक वर्ड आपको लिखना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक दिन ना मैं अलग से इस थैंक यू के बारे में भी सेशन दूंगी। चलिए आज हम ड्रीम डायरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने ध्यान दिया, मैंने आप लोगों को कहा आपको 3 बार थैंक यू लिखना है। तो कोई भी मुझे बोल सकता है मैंने 3 बार थैंक यू क्यों कहा है? जो भी आपके मन में आए, फिर प्लीज फील फ्री टू शेयर। आई रिपीट, मैंने आपको अफर्मेशन में 3 बार थैंक यू लिखने के लिए कहा है। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताती हूं आपको इसमें ना। बोलिए बोलिए स्मिता जी, आप बोलना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। तो मैंने 3 बार जो थैंक यू कहा है ना, अलग अलग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे कहा जाता है सबसे पहले हम अपने गुरु को थैंक यू बोल रहे हैं, फिर अपने माता को और अपने पिता को। इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि हम धरती, आकाश और हेवन, तीनों को, यूनिवर्स को, हम तीनों को धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपने इसमें और एक भी जोड़ा जाता है कि मैं अपने मन, शरीर और आत्मा से, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अपने तन, मन, शरीर, आत्मा से आपका धन्यवाद करती हूँ। तो इसमें हम वही बोल रहे हैं, हम अपने मन मतलब माइंड, शरीर मतलब बॉडी और आत्मा मतलब सोल से यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरी ये डिजायर कंप्लीट हो गई है। तो अब आपने क्या लिखा अपने अफर्मेशन में? अगर मैं दोबारा बोलूं तो, मैं स्वस्थ हूं, मेरे मेरा वजन 65 kg है बाय दिसंबर 2024, मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूं, मैं हेल्दी खाना खा रही हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी तक का आप लोग को जो भी मैंने बताया क्लियर है? आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी यस यस लिख सकते हैं। मैंने देखा क्लियर है है। चैट जी। सुचिता जी, गुंजन जी, थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू सुचिता जी, आपने यस दिया है, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं आपको आगे की स्लाइड में लेकर जाती हूँ। हाँ जी, अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? एंजॉय वन नंबर 176। हाँ जी रचना जी, थैंक यू, ये एंजल नंबर है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा ना कि हम जो डिजायर चाहते हैं, हम जो चाहते हैं पाने के लिए, अगर हम छोटी छोटी इन सब चीजों को एड ऑन कर देते हैं ना, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ना यूनिवर्स के पास जो पहुंचता है, वो फ्रीक्वेंसी और तेज हो जाती है। एक जो मेरी गाड़ी 40-50 स्पीड पे चल रही थी ना, वो गाड़ी अचानक से 100-120 के स्पीड पे चलने लग जाती है। तो वो तो हमें सबको चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब आपको क्या करना है? आपने अपना अफर्मेशन जो लिखा ना, मैं स्वस्थ हूं, मेरा वजन 60 kg है
मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, हेल्दी खाना खा रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके साथ आप ये एंजल नंबर को जोड़ देंगे, 1176। मैं एक और एग्जाम्पल वैसे ही आपको दे सकती हूँ अभी। चलिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे एंजल नंबर रिलेशनशिप। होते क्या है? हाँ एंजल नंबर्स जो होते हैं ना, मतलब एंजल्स क्या होते हैं, मैं एक सेकंड में आपको बताती हूँ। एंजल्स मतलब होते देवदूत। भगवान जी, देखिए भगवान जी तो हर पल हर क्षण हमारे पास है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान जी ने ना हमारी मदद के लिए ना हमें एंजल्स दिए हैं। हिंदी में अगर हम एंजल्स बोले तो वो देवदूत होते हैं। तो देवदूतों ने, ये जो नंबर्स होते हैं ये प्रकृति में कहीं से आए हैं, इसका एक कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उसकी हमें जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं। हर प्रॉब्लम के लिए, नॉट इवन प्रॉब्लम, फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ, जो भी छोटी बड़ी चीज हम पाना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग एंजल नंबर्स आए हुए हैं। तो उसमें से ये विश फुलफिलमेंट का जो नंबर होता है ना, ये होता है 1176, और ये बहुत पावरफुल नंबर है। आप लोग यूज करके देखिएगा आप अपनी ड्रीम डायरी में फिर, और आप अपने, प्लीज मुझे आप अपने टेक अवे जरूर शेयर करना। मैंने अपनी बच्ची को सिखाया, क्या होता है ना, अपने बच्चे ना ये सब चीज से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मैं अपनी जिंदगी से आपको एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ, मैंने जिस दिन ये टेक्निक सीखी उसी दिन मैंने अपनी बेटी को सिखाया। और आप लोगों को सिखाइए, ये बात नहीं है, आज हम जो भी सेशंस दे रहे हैं हम आपको ये नहीं बोल रहे कि इसकी जानकारी आप अपने तक रखिए, आप आराम से लोगों तक पहुंचाइए, आप उनको बताइए कि आज हमने ये सीखा है। जी आनंद जी, श्वेता जी, आप आराम से बता सकते हो सबको, आप उन लोग को बताइए कि आज हमने ये सीखा है। तो आपको बच्चे और मेरी बच्ची को, कुछ तो उसने लिखा जिससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पूछना चाहिए बच्चों को आपने क्या लिखा। और उसने 1 वीक के अंदर मेरे को बताया, मम्मा आपको एक सरप्राइज दूं, मैं बोली यस बेटा, मम्मा जो मैं अपनी ड्रीम डायरी में लिख रही थी ना उसमें से मेरी एक विश पूरी हो गई है। तो हमें ना अपने को शाहरुख खान वाली वो याद है एक मूवी, ओम शांति ओम, हाँ, उसमें उसने बहुत अच्छी एक लाइन कह रही थी, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो यही बात आज हम भी आपको कहना चाह रहे हैं हमारे सेशंस के थ्रू, कि अगर हम मन से, हम पूरे दिल से अगर किसी चीज को चाहेंगे ना तो पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात हमें उसकी तरफ ले जाएगी। बस हमें कृतज्ञता होना है, हमें हमारे डिजायर की तरफ क्लियर होनी है। क्या होता है कई बार, मैं तो वजन लूज कर लूंगी, कितना लूज करूंगी यार, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, अगर हम यूनिवर्स को अलाइन कर लेना, जी यूनिवर्स जी मैं तो इस महीने कम से कम 1 से 1.5 किलो वजन लूज करूंगी, तो यूनिवर्स को भी पता है कि पूनम पूरी मेहनत कर रही है, अब मुझे उसका साथ देना है, उसके जो सॉरी वेट लॉस जर्नी में मुझे उसका पूरा साथ देना है, तो यूनिवर्स भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। तो ये एंजल नंबर्स के द्वारा हम यूनिवर्स से उसकी स्पीड बढ़ाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम जो चेरी ऑन द केक है ना बस वो ही लगा रहे हैं। क्लियर? यस थैंक यू रचना, थैंक यू। तो ये हो गया अब इनके, अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। अब आपके मन में आएगा, मैम हम ये जर्नी स्टार्ट कैसे करें, आप इसके बारे में, आपको मैंने अफर्मेशंस पूरा बता दिया है, अब मैं आपको इसकी छोटे छोटे, हाँ ग्रेट जी रोशनी जी, आप कुछ बोल रहे हो? जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको म्यूट कर देती हूँ, निधि जी को मैंने म्यूट, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये ड्रीम डायरी आपको कैसे करनी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ड्रीम डायरी जो रहेगी, आप कोई भी एक डायरी ले लेंगे, नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि येलो पेजेस बहुत जल्दी हमारे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, नियम से लिखना ज्यादा जरूरी है। ये पेपर्स में कौन से कलर का पेज है, कौन से कलर का पेन है, ये सब चीजों में ना बंध के ना हम रोज पहले लिखना स्टार्ट करें, उसको आप अपना गोल बना लें। पर चलिए आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं, तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, येलो पेजेस वर्क मोर बेटर वे। पेन आप कोई भी कलर का पेन ले सकते हो, ब्लैक नॉर्मली हम सब अवॉइड करते हैं, पर उसमें भी मैं आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं डालूंगी। जिस भी पेन से आप अपनी कनेक्टिविटी फील करते हो, आप वो पेन उठा के बस अपने डिजायर्स, अपने ड्रीम्स लिखने लग जाओ रोज। तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें रोज आप अपने ड्रीम्स लिखो। तो आप पूछोगे मैम कितने ड्रीम्स लिखूं, मेरे तो हजारों ड्रीम्स हैं, मैं बोलूंगी आप हजारों ड्रीम्स लिख सकते हो, पर क्लियर है ना कि 1000 ड्रीम्स आपको रोज लिखने हैं।
तो मैं ये बोलूंगी आप 5 to 10 ड्रीम्स के साथ एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए आप अपनी जर्नी। आप उनके लिए करेक्ट अफर्मेशंस बनाइए, उसमें कृतज्ञता वर्ड थैंक यू 3 बार जरूर ऐड करना है। जैसे मैंने आपको एंजल नंबर भी दिया है, आपको वो एंजल नंबर भी ऐड करना है। तो आपको अभी करना क्या है, रोज आप वो आपने जो पूरा अफर्मेशन बनाया है वो आप रोज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगी। इसका मतलब ये नहीं है जो टेक्नोलॉजी जानता है अपना नोटबुक खोल लेगा लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करेगा। प्लीज ये मत करना, थोड़ा सा टाइम आप अपने मैनिफेस्टेशन को दे देना। रोज आपको लिखना है, मैं दोबारा बोलूंगी आपको रोज आपके डिजायर्स लिखने हैं। अब इसमें हमारे कुछ सवाल आगे आते हैं कि मैम मैंने मेरा ये डिजायर फुलफिल हो गया तब मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने एक डिजायर लिखा, जो डिजायर आपका फुलफिल हो गया है आपको उसको काटना नहीं है दूसरे दिन, बस आपको ये करना है नेक्स्ट डे से आप वो डिजायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप कभी भी किसी समय पे भी कोई भी डिजायर ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी पल आप वो डिजायर बंद भी कर सकते हैं। सपोज आपने भगवान से कुछ मांगा है, आपने अपने जर्नलिंग में कुछ मांगा, आपको कुछ और मिल गया है, तो जो भी आपको मिला वो बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे दिन से उसके बारे में आपकी मर्जी है, ये आपका इंट्यूशन है। आप चाहे तो लिखे, आप चाहे तो आप स्टॉप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें ये पूरी मर्जी अपनी होती है जिसकी डायरी होती है, तो आप कभी भी डिजायर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी उसको आप कट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम मेरी तो डायरी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट करने के बाद मैं इन डायरियों का क्या करूं। तो एक सिंपल सी बात होती है, ये डायरी आपकी है, ये जर्नी आपकी होती है, तो आप चाहें तो ये डायरी को आप अपने इस अलमारी में आराम से रख सकते हो, जब भी आपका मन करे आप खोल के देख सकते हो कि वाओ मेरे इतने डिजायर्स थे, मेरी इतनी डिजायर फुलफिल हो गई। नहीं आपको लग रहा है यार मेरी तो अलमारियों में भीड़ हो जाएगी, तो आप इनको बहते पानी में, ध्यान दीजिएगा, आप इनको रनिंग वाटर में, बहते पानी में आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा, हम प्रकृति का यूज कर रहे हैं इसमें, कागज कहाँ से आता है, पेड़ों से आता है। तो कोशिश ये रखना आप अपनी डायरी में पेजेस वेस्ट ना होने दें। जैसे सपोज मेरी 4 डिजायर है, मेरी डायरी इतनी बड़ी है, तो मैंने 4 डिजायर आज लिखी, तो कल मुझे नेक्स्ट लाइन से ही मुझे अपनी नेक्स्ट डिजायर लिख देनी। तो प्रकृति से जो हम ले रहे हैं ना, हमें उसको देना भी पड़ता है। तो इस बात का आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आप ले रहे हो, आप उसको अच्छे से दे पाए, तो हमें पेपर का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्लियर अभी तक आपको पूरा, जो भी हम कर रहे हैं? रनिंग वाटर अगर नहीं हो अवेलेबल देन आप कुआं है, आपके पास आजू बाजू में कुछ भी पानी है, फिर भी अगर नहीं हो तो मिट्टी में उस खोद को, उस डायरी को डाल दीजिएगा। जला नहीं सकते। जला सकते हो, जला रहे हो तो ये आपकी डिजायर होती है, अगर आप जला रहे हो तो जलाने के बाद भी क्या होता है, एक तरीका होता है रचना, तो आपकी ये डायरी, ये मैनिफेस्टेशन डायरी है, तो अगर आप इसको जला रहे हो तो आपको यूनिवर्स में जो एशेस होते हैं ना, जलने के बाद जो राख बचती है, वो राख को आपको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। ये ध्यान रखना है कि आप उस राख को डस्टबिन में ना डालें, फ्लश ना करें, पौधों में डाल दे पौधे में डाल दे या ना हवे में उसको बस फूंक मार के उसको दे दे, बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए सबसे इजी तरीका होता है रनिंग वाटर में डाल दो, हम बोलते हैं, नहीं तो आप, मैंने आपको 3 तरीका बता दिया है, आप रनिंग वाटर में डाल सकते हो, मट्टी में गाड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप जला ही रहे हो, जला के जो उसकी राख होती है उसको आप यूनिवर्स में फूंक मार के फिर से दे सकते हो, ठीक है, या पौधों में भी आप डाल सकते हो जैसे आपने कहा। क्लियर, मैं अभी आप लोग के डाउट्स लूंगी, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे हम लोग। हाँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है रचना? नहीं आ रही है, ठीक है, मैं देख। अभी आ गया था बीच में। अगर मैं ये खोलूं, ठीक है कोई बात नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक छोड़ देते हैं,
हम अपनी मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। चलिए आप अभी लोग सब आप अपनी, ही आप हाँ कोई नहीं रचना, आप लोग सब अपनी आंखों को बंद कर लें, एक गहरी सांस लें। आप जिस भी पोजीशन में आराम से बैठ जाएं, अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ हो तो अगर वो चाहे तो उतार सकता है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अब आप अपने आप को एक शांतिपूर्ण बगीचे में बैठे हों उसके जैसे कल्पना करें। उस बगीचे में आप फूलों को देख पा रहे हैं। सूरज की रोशनी से वो बगीचा पूरा घिरा हुआ है। आज आपके हाथ में आपकी वो सपनों की डायरी है। आज आपके हाथ में आपकी सपनों की डायरी है। आप उस डायरी को महसूस कर पा रहे हैं, उसके महत्व को समझ पा रहे हैं। ये छोटी सी डायरी आपको अपने लक्ष्य की तरफ करीब और करीब और करीब लेकर जा रही है। आप अपने सपनों को अपनी अवचेतन मन के बगीचे में इन सपनों का बीज बोने की कल्पना करें। आप ऐसा सोचें कि जितनी भी सपने आज आप देख रहे हैं, आप उसका बीज उस बगीचे में बोने जा रहे हैं। अपनी हर सांस लेते हुए बस इतना दोहराइए, मैं अपने इरादे और उद्देश्य के साथ अपने सपनों का बीज बो रहा हूं। मैं पक्के इरादे और विश्वास के साथ अपने सपनों का बीज बो रहा हूं। मैं पक्के इरादे और एक विश्वास के साथ अपने सपनों का बीज बो रहा हूं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ, पूरा समय के साथ उसको धीरे धीरे जाने दें। जो बीज आपने बोया है, उस बीज की जड़ों को उसको महसूस करें। महसूस करें कि वो बीज एक सुंदर फूल के रूप में खिल रहा है। जो बीज आज आपने सपनों का बोया है, वो एक फूल के रूप में सुंदर से खिल रहा है, वैसी कल्पना करें। आप खुद को जश्न मनाते हुए महसूस करें, क्योंकि आज आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आप एक जश्न सा मनाएं, क्योंकि आज आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये सपनों की डायरी जो आज आपके हाथ में है, ये आपके सारे सपनों की तरफ आपको आगे बढ़ा रही है। पूरे विश्वास रखें आप अपनी अंतरात्मा में। यूनिवर्स को तहे दिल से शुक्रिया करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने अंदर पूरी कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे आंखें खोले और यह कोशिश करें कि आपने जो सपनों का बीज बोया है, उसे आप कल्पना कर पा रहे हैं कि वो आपके सामने खड़ा है, उसे आप अनुभव कर पा रहे हैं। आप चाहें तो अपने हाथों को रगड़कर उसकी एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फील करें। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और उसकी एनर्जी को पूरी बॉडी में फील कर सकते हैं। तो अब आप इधर देख पा रहे हैं कि जो ड्रीम डायरी है वो क्या है। वो हमारा एक कॉम्पस है। वो क्या है, हमें बस नेवी जैसे अपना गूगल मैप है ना,
मुझे यहाँ से अगर आज कहीं जाना है तो मैं गूगल मैप लगा लेती हूँ, मुझे वो रास्ता बता देगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो ड्रीम डायरी है वो भी हमें हमारे डिजायर्स की तरफ, हमारे गोल की तरफ ले जाने के लिए एक रास्ता दिखा रही है, हमें हेल्प कर रही है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको देख पाऊँ। हाँ जी, तो ये हमारी थी पूरे ड्रीम डायरी की जर्नी। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करके या अनम्यूट करके भी आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स? ये कितने दिन तक लिखने हैं और लगातार भी हाँ लिख जी सकते हैं सेम चीज को? हाँ जी, आपको ये रोज लिखना है और जब तक आपकी डिजायर पूरी ना हो आपको लिखना है। सुचिता जी समझ में आया? जब तक आपकी डिजायर पूरी ना हो, इसीलिए हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने एक छोटी सी डिजायर मांगी होगी, वो तो जल्दी पूरी हो जाती है, लेकिन जैसे आज मैं बोलूंगी मुझे एक भगवान जी मुझे ना 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए है, तो वो तो एक टाइम तो लगता है ना, 6 महीने साल भर, और अगर यूनिवर्स इतना ही अलाइन रहा तो हो सकता है 3 महीने में भी हो जाए। तो जब तक आपकी वो डिजायर पूरी ना हो आपको वो लिखना है। और कोई डाउट? डाउट क्लियर हुआ सुचिता जी? थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? नहीं? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा ग्रुप ओपन है, आप उसमें भी पूछ सकते हो। रचना जी, मैं, श्वेता, लक्ष्मी, हम सब अवेलेबल हैं आपको आंसर करने के लिए। और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।